बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र रहे। खासियत उनकी ये थी कि वो अपने माता पिता के आठवें संतान थे, और मैंने अपने जीवन में देखा है कि माता पिता का आठवां संतान बहुत मेधावी, बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी आठ आठ संतानें पैदा करें, हमारे देश में जनसंख्या बहुत है। तो आठवें संतान होने की जो उनकी थी ये मूल भावना, इनको इनके पिताजी ने भी गौर किया था, और इनके पिताजी ये चाहते थे कि नेताजी जो हैं ये बड़े होकर सुभाष, जिसको सब प्यार से बोलते थे सुबी घर में, कि ये आईसीएस अफसर बने, जिसको आज 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 आप कहते हैं आईएएस, कि यूपीएससी के तहत है उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज, और आईसीएस अफसर बनने की उनकी जो तमन्ना थी, नेताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं आईसीएस अफसर बनूं। यहीं पर इस प्रसंग की सबसे क्लाइमेक्स है कि उसको जानिए कि उनके अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस, उन्हें उनके भाई कोई बैरिस्टर थे, कोई डॉक्टर थे, और नेताजी और उनके जस्ट जो बड़ी बहन थी उनके बीच में करीब 7-8 साल का गैप था। तो उनके बड़े भाई ने बोला, शरद चंद्र बोस ने बोला कि तुम सुभी अपना जो भी काम करना चाहते हो तुम करो, अपने सपने तुम्हें पूरा करने का पूरा हक है, लेकिन पिताजी का सपना पूरा करने का भी तुम्हारा कर्तव्य है। यही बात नेताजी को दिल में लग गई कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं आईसीएस अफसर बनूं, और उन्होंने तुरंत वो गए इंग्लैंड में रह के, और वहां पर उन्होंने सिर्फ उनको 8 महीने का जो है समय मिला था